की कथा कहते सुनते सबका मंगल करती है। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ की। यह कथा कहते सुनते सबका मंगल करती है। राम कथा में दो बात प्रधान है, एक त्याग और एक अनुराग। बिना अनुराग के त्याग नहीं होता। भोले बाबा माँ से कहते हैं, देवी बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग मने त्याग, तेहि बिनु मोहन मोह गये बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना त्याग के अनुराग नहीं होता। जीव जब त्याग वृत्ति में प्रविष्ट होता है तो उसको अनुराग होता है। राग संसार के प्रति प्रेम को कहते हैं, अनुराग भगवान के प्रति प्रेम को कहते हैं, वैराग्य भगवान के सतचित आनंद घन स्वरूप के प्रति तत्वमसी, उसको वैराग्य कहते हैं। आपकी भागवत क्या कहती है आप जानते हैं। श्री राम कथा में तीनों बात, राग अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता अज्ञान अनुसर। भगवान इतना प्रेम रखते, बंदम अवध भुआ सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दया प्रियतन त्रिन इव परी हरे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज का राम प्रेम इतना दृढ़ है, राम जी नहीं तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। बिछुरत दीन दयाल प्रियतन त्रिन इव परी हरे। सामान्य जीव हो कि असामान्य हो, पैसे से सबको प्रेम है। हमको भी है, बिना दक्षिणा हम कथा नहीं बांचते। आप में से ऐसा कोई नहीं है जिसको पैसे से प्रेम न हो, लेकिन उस अति प्रिय पैसे का भी हम तिलांजलि कर देते हैं जब शरीर खतरे में आ जाता है। डॉक्टर साहब चाहे जो घर बिक जाए लेकिन बच्चा बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए डॉक्टर साहब, सब ले लीजिए। अर्थात पैसे से भी कुछ प्रिय है, वो क्या है, आ तो शरीर प्रिय है। आदमी बचने के लिए तड़पता है, चाहता है सब चला जाए शरीर रह जाए, कि भैया वो पैसा शरीर इससे भी कुछ प्रिय है, वो क्या है, वो है परमात्मा। परमात्मा से प्रिय जीवात्मा के लिए कुछ नहीं है। इसलिए जिसको जिसको भगवान मिल गए वो शरीर नहीं रखना चाहता है, वो विदा करना चाहता है। चलन चहत अब कृपा निधान। जटायु जी महाराज प्रभु दर्शन के लिए प्राण रखा, अब विदा करिए। शबरी अम्बा बाली राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन तनु त्या, सुमन माल जिम कंठ ते गिरतन जाने नाग। नाग माने हाथी, नाक हाथी को कहते हैं। हाथी के गर्दन नहीं होवे है, माला पहराओ बाहर। उसी प्रकार
बाली को भगवान मिले, बाली शरीर नहीं रख रहे, शरीर को विदा चाहते हैं। शबरी अम्मा को भगवान ने कितना लाड़ दिया, प्यार दिया, स्नेह दिया, उपदेश किया, लेकिन शबरी अम्बा भी कही कथा सकल बिलो की हरि हृदय पद पंकज चलि लोक पावक देह हरि पद लीन बैजन आहा लीन बैजन पैसा। शरीर इन दोनों से भी प्रिय है परमात्मा, क्योंकि हमारा आपका अंतिम आश्रय ही परमात्मा है। और जिसको परमात्मा में प्रेम हो जाए वही जीव धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। छूटे देखो शरीर यो छूटी, पैसा छूटी भाई जी, दोनों छूटी, रही का भगवान, भगवान का भजन, भगवान की कृपा, भगवान का सत्संग, इस समय जो रम गया उसका सिक्का जम गया। एमा रमो आओ। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान की भक्ति में वही रमता है जो खाली होता है, फुर्सत है, फुर्सत है जिसको, वही भक्ति पथ पर चलता है, है एकदम उलट। जो फुर्सतिया लोग हैं वो भक्ति करते ही नहीं, वो फुर्सत में रहते। भगवान की भक्ति जो मस्त है वही करने में व्यस्त है, जो व्यस्त है वही भक्ति में मस्त है। फुर्सती आदमी कुछ नहीं करता है, वो केवल यही बताता है हमारे पास समय नहीं है। काहे फुर्सती आदमी है, जो व्यस्त है वही भजन में मस्त है। और ये सिद्धांत बना लीजिए, ये अनुभव है, लिखा लिखी नहीं है, अनुभव है। जो अपनी योग्यता है, क्षमता है, उसका स्मरण करके भगवान की शरणागत ले लो, भगवान सब पार करेंगे, बेड़ा ही पार, भगवान झूलेलाल बेड़ा ही पार। अविनाश भैया बेड़ा ही पार, तबीयत ठीक हो? ये बात आप लोग गांठ बांध लो, काहे जो नर भक्ति करे के शब की सर्वोत्तम सोई प्राणी, जगत में भक्ति बड़ी सुख खानी। आओ खानी दानी पानी, जगत में भगवान की भक्ति, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। देखिए ना, असुरों के संहार के बाद भगवान गुरु जी के पास हैं, है नहीं? गुरु जी तो गुरुवे जी होते हैं। गुरु जी ने सोचा ये अयोध्या चले जाएंगे, फिर मिथिला जाने के लिए लाना पड़ेगा, तो गुरु जी ने कहा कि अब यज्ञ तो हो गया राम जी, यज्ञ का नियम यह है कि थोड़ा कथा भागवत भी होना चाहिए, पुराण की कथा हो गई यज्ञ में संध्या वेला में, तो अब हम लोग यज्ञ में व्यस्त थे तो कथा नहीं हो पाई, तो थोड़ा कथा बाँच लें। चौपाई कहती है भगते है तो बहु कथा
यद्यपि प्रभु जान वर्धन हेतु गुरुवर विश्वामित्र जी पुराण की नाना कथा सुनाने लगे। बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। कथा बड़ी ही श्रद्धा से श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनने का फल है, वेद भगवान की ऋचाएं सुनने का फल है। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनहि निरंतर देवु। क्या है वो? जो नहीं करे राम गुण गाना जी हर सुदादुर जी हर समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुन हरि चरितन जो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जिन्होंने भगवान की कथा इन कानों से न सुनी उनके कांप सांप के बिल जैसे। कान की धन्यता यही है कि भगवान की कथा सुने। औरों की कथा सुन के क्या करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो लोक परलोक दोनों दिव्य हो जाएगा, सध जाएगा। भगवान की कथा का अवसर मिले तो केहू के चक्कर में न पड़ो। देखो श्लोक है व्यास जी, शतम विहाय भोक्तव्यम, सब काम छोड़ के खाना खाना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम, सौ काम छोड़ के खाना खाना चाहिए। समझदार लोग केवल एक ही ये पंक्ति याद रखे हैं, शतम विहाय भोक्तम ल्यावल्यावल्याव। त्रिभुवन भैया शतम विहाय भुक्त में, अरे नहाए धोए, अरे छोड़ा रोज नहाई के बाद, नित्य नहानम देख यानम और हम नहानम पखे पखे हो गया। ऐसा नहीं होता। श्लोक क्या कहता है, शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। हजार काम छोड़ के पहले नहाना चाहिए, शरीर शुद्ध हो, शुचिता संपन्न रहिए। आगे
लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, अरे आगे सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, दुनिया का सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, यही सार है, बाकी सब बेकार है। सब काम लगल रही हो, काम इतना बा फुर्सत न बा, गृह कारज नाना जंजाला, ये तो चलता ही रहेगा। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब काम छोड़कर भगवत भजन करना चाहिए। ये अंतिम चरण अवश्य स्मरण में रखिए, लेकिन लोग पहला चरण पकड़े हैं, सतम विहाय भोक्तव्यम, ल्यावा ल्यावा ल्यावा। अरे सब काम छोड़कर भजन करना चाहिए।